मैं आपको इतना ही कहना आया हूं, चुनाव दो खेमों के बीच में, एक बार आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद है, और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या सपने देख रहे हो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे, आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए, नाम गौरव की भूमि को कब्जाने वाले बदरुद्दीन को लेकर आए हैं, और दूसरी ओर हम हर नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर श्रीमंत शंकर देव के संदेश को पूरे आसाम के अंदर फैलाने की बात। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आसाम की संस्कृति की? आसाम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बदरुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वो नहीं रख सकते। मोदी जी के नेतृत्व में असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी ही आसाम की बहुरंगी सभ्यता को बचाकर रख सके।